राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। आईपीएल की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप राजस्थान के बल्लेबाजों के आगे घुटने टेकते हुए नजर आई। भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर की जमकर पिटाई हुई। संजू बटलर और यशस्वी की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर इस सीजन में पहली बार 200 से ज़्यादा का स्कोर खड़ा हुआ। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब के रहने वाले और पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा शून्य पर आउट हुए और आईपीएल के अपने पहले ही मुकाबले में पवेलियन लौटे। दरअसल राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के आगे 203 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के हाथ पांव फूल गए। वह इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की गेंद का सामना नहीं कर सके और दूसरी पारी के पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर एक यॉर्कर गेंद पर क्लीन बॉल्ड होकर शून्य के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद यह खिलाड़ी मायूस होकर पवेलियन लौटा। संजू सैमसन ने दिखाई दरिया दिली, खुद को नहीं बल्कि इन दो खिलाड़ियों को हैदराबाद पर जीत का श्रेय दिया। सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रनों से शिकस्त देने के बाद कप्तान संजू सैमसन काफी खुश नजर आए। वहीं उन्होंने पोस्ट मैच समारोह के बाद टीम के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। कप्तान संजू सैमसन ने कहा, मैं सोच रहा था कि इस सीजन की शुरुआत कैसे करेंगे, लेकिन इससे बहुत खुश हूँ। जिस मानसिकता के साथ जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने खेला, उससे ऐसी ही शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, मगर आप इस प्रारूप को जानते हो, इसलिए हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। आज की शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन हम चीज़ों को अच्छी तरह ख़त्म करने की सोच रहे हैं। मेरे लिए आज मैं वहीं रहना चाहता था और पारी का अंत करना चाहता था। टूर्नामेंट के आगे बढ़ने पर हमें पता चल जाएगा कि क्या कोई कमजोरियां हैं। राजस्थान की जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।